सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ। आज एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। आज मैं आपको पिज़्ज़े की डोग बनाने का तरीका बताऊंगी। तो पिज़्ज़े की डोग बनाने के लिए जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी, जो अज्जा चाहिए, वो हमारे सामने मौजूद हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है और मेरी वीडियो को अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में शेयर करें। अब देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले हमें मैदा चाहिए। मैंने 5 कप मैदा ले लिया है यहाँ पे। उसके बाद आपने कुकिंग ऑयल यूज़ करना है इसके अंदर। मैंने 4 चम्मच कुकिंग ऑयल लेने हैं यहाँ से। फिर उसके बाद गर्म पानी का इस्तेमाल करेंगे हम। मैंने पानी साथ रख लिया है, ये हम हसबे ज़रूरत है, जितना हमें ज़रूरत होगी उतना हम इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद ये इंस्टेंट यीस्ट है, ये मैंने 2 चम्मच लिए हैं। आप लेवल ले लें, भर के ना लें, लेवल 2 टेबल स्पून। चीनी भी मैंने 2 चम्मच ले ली है, आप लेवल ले लें। और जो नमक है ये तकरीबन मैंने 1 चम्मच लिया है, आप हसबे ज़रूरत ले सकते हैं। अब मैं आपको इसके बनाने का तरीका बताती हूँ। अब इसे 30 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे और हमारी डो राइज हो जाएगी, फिर ये रेडी होगी, जब मर्जी हम पिज़्ज़ा बना सकते हैं। ये हमारा आटा जो है ये तैयार है, इसको मैंने ढक के रख दूंगी। इसको किसी गर्म जगह पर 30 मिनट तक आप रख लें, डिपेंड करता है। अगर आप ज़्यादा टाइम देना चाहते हैं, अगर मौसम कैसा है, अगर गर्म मौसम है तो 30 मिनट बेहतर है, लेकिन अगर ज़रा मौसम दरमियाना सा है या ठंडा है तो फिर आपको 1-2 घंटा इसको रखना पड़ेगा। फिर इसके बाद राइज हो जाएगी और फिर आप अपनी जो है पिज़्ज़ा किसी वक्त भी इसका बना सकते हैं। मैंने ये 30 मिनट्स नहीं दिए पूरे, इसको 20 मिनट बाद ही निकाल लिए। अब हम इस पर पिज़्ज़ा बनाएंगे डो को फैला के, और उस पर फिर हम इसको राइज होने के लिए रख देंगे अनदर 15 मिनट्स। तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसी लुक कर रही है। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो मेरी चेकआउट करिएगा, उसमें मैं आपको पिज़्ज़ा बनाना सिखाऊंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में चेकआउट करें कि पिज़्ज़ा कैसे बनेगा। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, नई वीडियोस का इंतज़ार करें, दुआओं में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।